When tough times step in, what are those few tips जो टिप्स आप दे सकते हैं, सजेस्ट टू लिफ्ट वन अप वंस अगेन. मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हाँ हम लोग लूज डाउन हो गए हैं बहुत, मतलब हमको जो लिफ्ट अप करना है, सो टू लिफ्ट अप दोज पीपल व्हाट आर द टिप्स विच वी कैन वर्क ऑन. राइट, आई थिंक इसमें सबसे मेन टिप मेरा ये है कि आप उन्हीं लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं. रिमेंबर, योर वाइब इज डिफाइंड बाय द ट्राइब यू लिव विथ. आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो. तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम अभी डाउनफॉल में चल रहा है तो आप वैसे लोगों से जुड़ो जिनका टाइम अपफॉल में चल रहा है, जो अपवर्ड्स चल रहा है बेसिकली. अगर आप उनके साथ अपने आप को सराउंड करोगे तो ग्रेजुअली आपका भी माइंड अपने आप ही अपवर्ड्स चलने लगेगा. तो योर नेटवर्क, योर पीपल अराउंड यू, योर फैमिली हो, योर फ्रेंड्स हो, उन्हीं लोगों के साथ रेगुलरली कनेक्ट कीजिए जो आपके सेल्फ एस्टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, जो कंटिन्यूअसली आपको, हाँ, आपको बढ़ाते रहेंगे, आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ना कि कहीं ना कहीं आपको नीचे स्टेप इन करवाएंगे. ऐसा हो सकता है कि कोई और भी आपकी ही तरह कोई ना कोई चैलेंजेस गो थ्रू कर रहे हैं या स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया. अगर दो स्ट्रेस वाले लोग साथ मिल गए, इट्स गोइंग टू बिकम डबल स्ट्रेस. तो आपको समझना ब्लास्ट हो पड़ेगा जाएगा. कि आपको, हाँ, आपको वो डबल स्ट्रेस को नीचे लेके आना. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे इंसान से जुड़िए जो पॉजिटिव है कंपैरेटिवली. तो भले ही आप इधर हो और वो पर्सन इधर है, तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट इधर तो आ जाओगे, राइट? तो उतना आपका स्टेप अप हो जाएगा ना, तो काफी कुछ गैप धीरे धीरे फिल इन हो जाएगी. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, सराउंड योर सेल्फ विद द राइट नेटवर्क्स. सेकेंड इज, आपको अपना जो रेजिलियंस स्किल है, मतलब जो हम बाउंस बैक करते हैं, कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है लाइफ में, कोई चैलेंज आ जाता है लाइफ में, उसमें से बाहर निकल के फिर से जंप बैक कैसे करना है आपको, आपका वो स्किल आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है. रेजिलियंस स्किल, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं सॉल्यूशंस कैसे सोचूं, मैं फिर से कैसे जंप कर सकूं वापस इन द फील्ड. जैसे अगर आप रेगुलरली ऑन फील्ड होते हो अपने काम पे, और अभी कोविड आया तो आपको ऑफ फील्ड कर दिया है, अभी आपको फिर से फील्ड में जंप करना है, तो आपको वो फील्ड में कैसे जंप करना है, उसको आपको अपने आप को उसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि आप फटाफट वापस आ सको. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, वो दिनों दिन, हफ्तों तक वही चीज में अंदर रहते हैं, और अपने आप को सेल्फ सैबोटाज नेचर होता है बेसिकली उनका, और वो अपने आप को उसी चीज में अंदर रखते हैं, फिर उनके थॉट्स और नेगेटिव हो जाते हैं, फिर सुसाइड की तरफ जाते हैं. वो सारी चीजें जब आप अंदर ही अंदर बातें करते रहते हो तब होता है. लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको फटाफट बाउंस बैक करने का स्किल आपके अंदर डेवलप करे धीरे धीरे, कि कैसे आपको उसमें से बाहर निकल के फिर से वापस आना है. तो वो रेजिलियंस स्किल अपने आप में इंस्टॉल कीजिए. सो द फर्स्ट इज सराउंड योर सेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. सेकेंड इज, रेजिलियंस रेजिलिएंट. स्किल को डेवलप कीजिए अपने अंदर. थर्ड इज कि आपको अपने अंदर की जो सेल्फ टॉक है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेल्फ टॉक, क्योंकि हमने कभी अपने आप को ट्रेन नहीं किया है, हम डिफॉल्ट में बड़े हो गए हैं, राइट? हमारे आसपास जो चला है वो सब देख के सीख के हम अपने आप ही बड़े हो गए. तो वो जो डिफॉल्ट सेल्फ टॉक है, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा. आपको पहले तो अवेयर होना पड़ेगा कि आपका डिफॉल्ट सेल्फ टॉक नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है. अगर वो ज्यादा मोस्ट केसेस में 80% नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही ऐसा होता है फ्रॉम चाइल्डहुड. पर अगर आप उसको धीरे धीरे ट्रेन करोगे तो या आप न्यूट्रल की तरफ टुवर्ड्स आ जाओगे, या तो फिर आप पॉजिटिव में थोड़ा बहुत स्टेप इन कर सकते हो. तो आपको अपने सेल्फ टॉक को ट्रेन करना जरूरी है. ये लॉकडाउन का पीरियड ब्यूटीफुल पीरियड है आपको अपने आप का अवेयरनेस, यू विल गेट सो मच मोर अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, और आप इसी अवेयरनेस को अपने बेस्ट यूज में ले जा सकते हो व्हेन यू गेट ऑन फील्ड अगेन. तो सेल्फ टॉक पे फोकस करिए. फोर्थ इज, प्लान योर थिंग्स इन एडवांस. आप जो भी चीजें करना चाहते हो, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीजें आपकी प्लान होनी चाहिए. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स का प्लान करोगे तो थिंग्स बिकम मच मोर इजी. फिफ्थ इज के आपको रेगुलरली मेडिटेट करना बहुत जरूरी है. डू योर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड नाइट मेडिटेशन. उसके थ्रू आप नोटिस करोगे कि आपका माइंड
कंपैरेटिवली बहुत शांत हो जाएगा, और जैसे जैसे माइंड आपका शांत होगा वैसे वैसे आप लाइफ में सॉल्यूशंस इजीली देख पाओगे, लोगों के साथ कनेक्ट इजीली कर पाओगे, अपने आप में वो जो पेशेंस, जिस धैर्य की हम बात कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। याद रखो, आपका डेस्टिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका जर्नी जो आप जीत लो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। यू हैव टू एंजॉय योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वो जर्नी ऐसी होनी चाहिए जब आप उसके बारे में 10 साल बाद बात करोगे तो आपको अपने आप के बारे में गर्व महसूस होना चाहिए। That is the journey of an entrepreneur, कि जब आप उस journey up and down में से भी आप जब successfully उसमें से आगे बढ़ते हो तो वो journey share करने में आपको ही बहुत ज्यादा मजा आएगी। तो like they say, you know, do those things in life जो आप जब आगे जाके किसी को बताओगे तो आपको उस चीज में खुशी, गर्व और पॉजिटिविटी ही महसूस होनी चाहिए at all times। And my last point is कि जब जरूरत पड़े please seek help। एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर इज नॉट दैट यू आर वीक, उसका मीनिंग ये है कि आप स्ट्रांग हो और आप ये जानते हो कि मैं, ये जो मैं का वर्ड है ना आई, कि मैं सब कुछ हमेशा नहीं कर सकता और मुझे वी दैट इज लोगों की भी लाइफ में जरूरत पड़ती है। तो वो हाथ पकड़िए, वो हाथ थामे लोगों का, जब भी आपको जरूरत पड़े हिचकिचाए नहीं कि मुझे ये चीज नहीं करनी और मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखिए, बुद्धा ने भी हमेशा बोला था कि जब आप आय छोड़ोगे तभी ही आप स्पिरिचुअल स्पेस में एंट्री ले सकते हो। तो ये आय को छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। I have seen all the spiritual gurus, जो भी हैं वो बोलते हैं आप मैं को छोड़ दो, अहम को छोड़ दो, ईगो को छोड़ दो, एंड देन लाइक डिवोट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड।